सरावली का रास्ते का ये हाल बहुत ही खतरनाक, बाइकों के लिए बहुत ही खतरनाक रास्ता। पालघर बोईसर रास्ता पूरी तरह खराब, जगह जगह पर खड्डे। वीडियो के साथ बने रहें। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं संदीप वर्मा, बोईसर वर्मा, आपका सबसे पहले स्वागत है। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन उसे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट। तो मैं आज जो इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, मैं हूँ अभी पालघर में। जो पालघर का सीन दिख रहा है आपको, यहाँ रोड अच्छा दिख रहा है, तो ऐसा मत सोचिए कि पालघर का पूरा रोड अच्छा है। अभी सबसे ख़राब रोड कहीं का चल रहा है तो पालघर बोईसर का रोड, बहुत ज़्यादा डेंजर है। तो मैं आपको सीन दिखाता हूँ, देखिए थोड़ा आगे चलता हूँ। ये साइड में कदम स्कूल और इधर पीछे में है धावले हॉस्पिटल। थोड़ा धावले हॉस्पिटल का सीन आपको दिखाता हूँ और फिर आपको खराब रास्ते का भी सीन दिखाता हूँ। आ गए धावले हॉस्पिटल। धावले का पीछे का सीन है जो कि कोरोना के लिए बनाया हुआ है। ये कोरोना के लिए बनाया गया हुआ है धावले का सीन है। ये साइड धावले हॉस्पिटल जो कोरोना के लिए स्पेशल बनाया हुआ है। थोड़ा आगे चल रहा हूँ, आएगा सीन आपको मैं शो करता हूँ, दिखाता हूँ। धावले हॉस्पिटल ये देखो, ये धावले हॉस्पिटल का एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस गेट का। और धावले हॉस्पिटल के सामने ही है फायर, जो कि पालघर जो फायर स्टेशन है ये पीछे में है। तो मैं बात कर रहा था पालघर रास्ता का, पालघर बोईसर रास्ता बहुत ज़्यादा डेंजर है। अगर कोई वीडियो देख रहा है पालघर PWD से, तो प्लीज़ रास्ते को कम से कम कुछ तो भरवा के उसे लेवल कराए जरूर। तो आएगा सीन दिखाता हूँ रास्ते का, उसके बाद आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। मंत्रालय जहाँ पे बन रहा है वहाँ तक पालघर का रास्ता पूरा ओके, लेकिन इसके बाद चालू होता है सब, इसके पीछे मंत्रालय है और ये रोड है, यहाँ तक रास्ता सब सही है। अब इसके बाद रास्ता होता है मेन रास्ता चालू, जो कि सबसे डेंजर और सबसे खतरनाक रास्ता। बीच बीच में ऐसे खड्डे हैं ना, एक एक फीट तक के खड्डे हैं बीच बीच में, समझे, बीच बीच में एक एक फीट तक के खड्डे हैं। ये बहुत खतरनाक है सबसे ज़्यादा बाइक को लिए। एक टाइम तो फोर व्हीलर गाड़ी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन बाइक ऑटो रिक्शा कहाँ से मैनेज करेगा। तो वहाँ कुछ ना कुछ भरना या फिर सीमेंट द्वारा कुछ ना कुछ भरना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं ख़राब रास्ते का। अब देखिए पूरा व्यू ख़राब रास्ते का, एक पॉइंट आपको दिखाऊंगा मैं, कितने बड़े बड़े खड्डे वो भी दिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन से क्लिक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। पालघर जो मंत्रालय को ब्रिज आया हुआ है, ब्रिज का रास्ता है, देखो रास्ता पूरा ख़राब, खड्डे खड्डे पड़े पड़े हैं, पूरा खड्डे पड़े हैं। अब ऐसा है नहीं, सबसे ज़्यादा खतरनाक रास्ता ख़राब हुआ है तो सरावली के पास में, उमरौली और सरावली के पास में सबसे ज़्यादा ख़राब रास्ता, जहाँ की एक फीट के खड्डे भी हैं। और यहाँ से हमेशा बड़े बड़े ऑफिसर जाया करते हैं, ऐसा नहीं हमेशा जाया करते हैं, लेकिन तो भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये होनी चाहिए, क्योंकि इतना खड्डे बड़े, इतने बड़े खड्डे हो चुके हैं और देखने वाला कोई नहीं है, बहुत गलत बात है। चलिए आपको खड्डे दिखाता हूँ। कोलगांव के पास में, कोलगांव पर देख खड्डा, ये साइड भी और ये साइड में भी, मतलब सब बड़े बड़े खड्डे हो गए एकदम पूरी चारों तरफ। मैं पैर के नीचे भी खड्डे, लेकिन मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो प्लीज़ 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 अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ पूरे खड्डे को भरवा दे, बहुत दिक्कत हो रही है। मेरे सामने भी बाइक गिर गया, बहुत गलत बात है। मेन रास्ता होने के बावजूद भी देख सकते हैं किस प्रकार के बड़े बड़े खड्डे आपको नज़र आ रहे होंगे। इस रास्ते में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो सकता है रात के अंधेरे में, जो कि दुर्घटना भी घट सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए वीडियो के साथ बने रहिए, कुछ और सीन दिखाते हैं आपको। हाल चारों तरह से खड्डे खड्डे मिलेंगे, उसके अलावा तो और कुछ मिलने वाले नहीं इस रास्ते पर, सिर्फ खड्डे खड्डे, सिर्फ डेंजर रास्ते। मतलब रिक्स में लेके गाड़ी चलाओ, रिक्स में ही सब कुछ करो, जो भी है रिक्स में ही है यहाँ पर, क्योंकि खड्डे कोई भरपाई नहीं कर रहा है। मगर समझ में नहीं आता है, जो कि बड़े बड़े ऑफिसर इस रास्ते से जाते हैं,
एसपी तक इस रास्ते से जा चुके हैं एसपी सर। अभी मेरे सामने दो दो तीन दिन पुलिस की गाड़ी गई, लेकिन अगर चाह जाए कंप्लेंट करे तो सब कुछ हो सकता है। नहीं, कंप्लेंट जाता भी है, देखते भी है, लेकिन सब छोड़ देते हैं। जब तक कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हो जाए, जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, जब तक कोई सुनवाई नहीं है। सबसे डेंजर रास्ता जो है सरावली का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सरावली का क्या हाल है। सरावली में सबसे ज़्यादा ये रास्ता ख़राब है, जहाँ पर तो एक एक फीट के गड्ढे भी हो चुके हैं। देख सकते हो कि पानी भरा हुआ है और खड्डे बहुत खतरनाक हो चुके हैं, जो कि बहुत ही तकलीफ भरा है। कब तक कितना दिन और झेलना पड़ेगा कुछ नहीं बता सकते। तो वीडियो साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करें चैनल को। ये रास्ता दिखता है, देखो दूर दूर तक सिर्फ खड्डे खड्डे। सबसे बड़ा तकलीफ बाइक को जाने आने में। एक कार की हालत देखो क्या हो रही है। अभी अगर रास्ता नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, आगे और बड़े बड़े खड्डे। अभी इतना अचानक बड़े बड़े खड्डे आते हैं। थोड़ा व्यू दिखाता हूँ फ्रंट कैमरे से, देखिए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि गांव वाले को तकलीफ नहीं हो रहा है, देखो सबसे ज़्यादा तकलीफ इसमें बाइक वाले को। देख सकते हो बाइक का पूरा व्हील डूब जा रहा है, इतना जाके रोड डाउन हो चुका है। और जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उन्हें तो तकलीफ होती ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी भी है, क्योंकि यह बोईसर पालघर जाने का मेन रास्ता है। इसके अलावा पालघर जाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और जो दूसरा रास्ता भी है वह है मनोर होकर, तो वह बहुत ही लंबा पड़ जाता है। और यह पालघर से बोईसर सिर्फ 10 किलोमीटर के रास्ते में आपको 6 किलोमीटर का रास्ता जो है ख़राब है। सबसे ज़्यादा ख़राब रास्ता आपको मिलेगा सरावली के पास में, जो कि बहुत ही काफ़ी बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं, जो कि वीडियो में आपको दिख रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।